देखना आपके रास्ते कैसे खुले, कैसे ब्लेसिंग्स आती, कैसे हालातों से आप छूटोगे। और आपने ये फरवरी महीने की जितनी मीटिंग्स थी सारी अटेंड की, कोई नहीं मिस की, प्रेयर में भी आते रहे। अब रास्ते खुलेंगे नहीं तो क्या नहीं होगा। चिरजिंद्रा नगर के रहने वाले जी सिस्टर और इनके बेटे की गवाही है, हम उनके पिक को देख सकते हैं। और इनके बेटे की गवाही जे जे बता रहे कि 4 साल से इनके बेटे की चाह थी कि जे ऐसे बाहर जाना चाहता, फॉरेन जाना चाहता था, जिसके कारण जे बता रहे कि इसकी बहुत ज़्यादा चाह थी और 4 साल से जे अलग अलग कंट्री में डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रहे थे पर कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिला था। जैसे जे डॉक्यूमेंट अप्लाई करते तो वो सब रिजेक्ट हो जाते थे तो जिसके कारण जे ब्रदर काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जैसे ही जे ब्रदर सही तरह से ना तो संगति में आ रहे थे और ना ही जे ब्रदर जी वचन सुनते थे, ना प्रेयर करते थे और उस समय जे ड्रिंक का भी नशा करते थे। और जैसे कि जो इनके मदर जे लगातार ऐसे मीटिंग में आ रहे थे और जे लगातार ही अपने बेटे के लिए, अपनी फैमिली के लिए चाहत करते थे कि जैसे हमारे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया है, तो जो इसके जीवन में जो कि जे जॉब के कारण परेशानी और जो इसके जीवन में जे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जो नशा भी करता है और मीटिंग में नहीं आ रहा, तो जो लगातार पॉजिटिव विश्वास करते थे कि जो हमारे साथ संगति में आ चुका है और परमेश्वर इसके जीवन को भी बदल चुके, तो जैसे कि जो लगातार विश्वास कर रहे थे तो जैसे जो ब्रदर का कोई भी काम नहीं बन रहा था, तो इनको जैसे फिर एक दिन इस ब्रदर ने पर्सनल परमेश्वर के दास के साथ जब मीटिंग की तो परमेश्वर के दास ने इस ब्रदर जी को टीच किया, उत्साहित किया कि अपने जीवन को परमेश्वर के साथ और भी सही तरह से अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाएं और अपने जीवन की हर एक बात को परमेश्वर के सामने रखें, अपने जीवन में प्रेयर लाइफ से और जो भी सही तरह से आप नहीं करें अच्छे से अगर करेंगे, हर मीटिंग को अटेंड करेंगे तो परमेश्वर सब कुछ करेंगे, क्योंकि इनके जीवन में, इनकी फैमिली में परमेश्वर ने बहुत सारे कामों को प्रकट किया था। पर जैसे फिर इस ब्रदर ने जैसे पर्सनल मीटिंग की तो परमेश्वर ने इनके बेटे के मन को चेंज कर दिया, बदल दिया। फिर से लगातार इनका बेटा चर्च आना शुरू कर दिया इसने, और जहाँ तक जो कि बिल्कुल भी इसका मन प्रेयर में बैठ नहीं सकता था, करता नहीं था, वचन नहीं सुनता था, बाइबल नहीं पढ़ता था, पर जैसे जैसे लगातार मीटिंग को अटेंड करना पहले इसने शुरू किया हर संडे की संगति को, तो परमेश्वर ने इसके मन को बदल दिया। फिर इसने प्रार्थना भी इसने करनी शुरू कर दी और जो वचन में भी इसका मन लगना शुरू हो गया, वचन भी जो रोज पढ़ता, प्रार्थना भी करनी शुरू कर दी, तो जो बता रहे कि परमेश्वर ने इसके मन को इतना चेंज कर दिया और बहुत ज़्यादा इसके मन में परमेश्वर के लिए वो प्रेम परमेश्वर ने इसके जीवन में प्रकट कर दिया। और जो ड्रिंक का नशा करता था उससे भी परमेश्वर ने, उस नशे से भी इसको आज़ाद कर दिया। सबसे पहले तो परमेश्वर ने इसके जीवन को चेंज कर दिया, तो इन्होंने परमेश्वर का जो बहुत सारा धन्यवाद करते। और फिर उसके बाद इसने फिर से जब अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई किए बाहर जाने के लिए, तो उस समय इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग की, जैसे वचन में लिखा है कि सबसे जो भी हम काम करते तो उससे पहले हमें परमेश्वर को हम याद करें, स्मरण करते तो परमेश्वर हमारे मार्गों को सीधा करते। तो जैसे इन्होंने सबसे पहले परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग की और फिर उसके बाद इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई किए, तो जो बता रहे कि जो कि 4 साल से इनका काम बन नहीं रहा था, फिर जो लगातार जब इन्होंने अप्लाई कर दिए तो उन दिनों में 28 जनवरी की मीटिंग के दिन परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड आया था कि जो फरवरी मंथ की मीटिंग्स है अपने पूरी मीटिंग्स को अटेंड करना है और लगातार टाइम पर मीटिंग में आना है और मीटिंग को अटेंड करना, निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपके मार्गों को खोल देंगे। पहले हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। मैंने ये चीज अनुभव की है। कई बार हम सोचते रहते हैं ये क्यों नहीं हो रहा, जो चीज करने वाली वो कर नहीं रही। बोलो क्या है वो चीज, जो चीज करने वाली वो कर। और ये स्टार्ट है, अब सर्दी निकल गई है, आत्मा में स्ट्रांग हो जाओ। ये 2-3 हफ्ते में बहुत, ये इस हफ्ते नेक्स्ट संडे प्रभु भोज की मीटिंग है और साथ में फिर हम रेगुलर प्रेयर रखेंगे। पहले 1 हफ्ते की रखेंगे, फिर आपको संडे बताएंगे क्या प्रोग्राम है,
पहले वीक, बोलो क्या है, फरवरी के पहले वीक हम कंटिन्यू पूरा महीना प्रेयर रखेंगे और आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे रखनी। पर पहले हफ्ते हम लगातार मंडे से लेकर सैटरडे तक प्रेयर रखेंगे। देखना तुम कितना गर्म होंगे, देखना आपके रास्ते कैसे खुलेंगे, कैसे ब्लेसिंग्स आती, कैसे हालातों से आप छूटोगे। तो चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ये दोनों चीजें बड़े जरूरी है। परफेक्टिक वर्ड को रिसीव किया, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो हमारे जीवन में प्रभावशील होता है। तो निश्चय इन्होंने इस आज्ञा को पूरा किया इस ब्रदर ने, और लगातार इन्होंने फरवरी मंथ की जितनी भी मीटिंग्स थी इन्होंने लगातार टाइम पर आकर अटेंड की, और प्लस जैसे कि एक हफ्ते की प्रेयर भी रखी गई थी तो इन्होंने प्रार्थना में भी आना शुरू कर दिया। तो ये बता रहे कि जैसे फिर इनकी इंटरव्यू हुई तो उस इंटरव्यू में पहले परमिशन इस ब्रदर को पास कर दिया इनकी इंटरव्यू में। तो जैसे कि फिर इनका जो पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था तो जिस कंपनी ने इनके लिए जो इनका वीजा लगा था तो उन्होंने बोला कि 80,000 में ही सारा काम हो जाएगा। और परमेश्वर ने जो बता रहे कि एक दिन में जो इन्होंने लोन अप्लाई करना था तो वो लोन अप्लाई नहीं हो रहा था उस दिन। फिर इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की तो टीम ने इनको उत्साहित किया, क्योंकि उस दिन फ्राइडे का दिन था तो टीम ने इनको उत्साहित किया कि आज अपने फ्राइडे की मीटिंग को ऑनलाइन शाम को अटेंड करना है, और निश्चय परमेश्वर आपका जो पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा परमेश्वर इससे भी आपको इंतजाम करेंगे। तो जैसे इन्होंने फिर विश्वास से फ्राइडे की मीटिंग को भी ऑनलाइन शाम को मीटिंग को अटेंड किया, और जो बता रहे कि जो इन्होंने 58,000 का लोन भरा था, और जो बता रहे कि जैसे शाम को इन्होंने मीटिंग अटेंड की और जब इन्होंने मॉर्निंग अगले दिन ही लोन अप्लाई किया बैंक में तो जो बता रहे उसी दिन ही वो लोन भी पास हो गया और उसी दिन ही इनको पैसे भी मिल गए। और जो बता रहे कि नहीं तो काफी दिन ऐसे लग जाते, कोई महीना भी लग सकता, 15 दिन भी, पर जो बता रहे कि परमेश्वर ने इतनी जल्दी फिर सब काम कर दिए कि जो बता रहे कि फिर फरवरी मंथ की अभी एक मीटिंग रहती थी उससे पहले ही परमेश्वर ने इनके मार्ग को पूरी तरह खोल दिया और 80,000 रुपया सिर्फ इनका लगा। और आज ये ब्रदर इस समय सऊदी अरब में पहुंच चुके और परमेश्वर ने इनको ब्लेस कर दिया है और काम भी उस जगह इनको दे दिया है। और जैसे इन्होंने इस वचन को पूरा किया था इस परफेक्टिक वर्ड को तो इन्होंने फरवरी मंथ की मीटिंग अटेंड की, प्रेयर को अटेंड किया, तो सच में कलीसिया इनको ज्यादा पैसों के लिए भी इंतजाम नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनकी सोच में थे कि काफी पैसे लग सकते हैं, पर परमेश्वर ने 80,000 में ही सारा अरेंजमेंट किया और प्लस लोन भी उसी दिन ही इनका पास हो गया। और जो परमेश्वर का इन्होंने धन्यवाद करते, परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करते, और जो इनके बेटे की 4 साल से चाहते कि जो कंट्री में जाना चाहते हैं और आज परमेश्वर ने इनको सऊदी अरब के वहां पर इनको ब्लेस कर दिया है जॉब के साथ, और जो बहुत खुश हैं और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते। तो सच में कलीसिया जब हम हर एक वचन को पूरा करते जो परमेश्वर की ओर से आता है, जैसे वचन में लिखा है कि जब आकाश से वर्षा आती है ही पाती तो वो व्यर्थ नहीं ठहरती, वो भूमि को उपजाऊ करती है। तो सच में जैसे इनके बेटे ने और इन्होंने उस वचन को पूरा किया है तो आज परमेश्वर ने भी इनके जीवन को ब्लेस्ड कर दिया, इनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया है। तो जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं, जिनकी भी चाहते हैं, तो इस गवाही को रिसीव करें, धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमारे भी मार्ग को खोल चुके, हमें भी ऐसे ब्लेस कर चुके। खुशी से कलीसिया कितने लोग खुश हैं और अपने हाथों के हिलाते इस पर इस गवाही के लिए तारीफ करें जोर से जोर से। आप पहुंचे थे, हाँ आप पहुंचे थे, आप अकेले आए थे? नहीं, सारे आए, सारे आए थे। जो बेटा आज कौन सी कंट्री में? अरब कंट्री, सऊदी अरब में, वो भी आया था? हाँ जी। हाँ, देख लो भाई। और आपने ये फरवरी महीने की जितनी मीटिंग्स थी सारी अटेंड की, कोई नहीं मिस की? नहीं। प्रेयर में भी आते रहे? हाँ। अब रास्ते खुलेंगे नहीं तो क्या नहीं होगा। अब सुनो, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो असंभव को भी संभव कर सकता है, वो बंजर जमीन में भी उगा सकता है,
अगर वो इजरायलियों के लिए चट्टान से उन्हें पानी दे सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता? बोलो मुझे, क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है ना। हो नहीं रहा था, 4 साल से नहीं उसे कोई रिस्पॉन्स मिल रहा था। और जैसे वचन को पूरा किया, पहले सबसे पहले उसकी जो कुछ गंदी आदतें थी, नशा करता था वो कितने समय से? साल से शुरू हो गया था, और रात को देर रात घर आता था। हाँ जी। पहले ये उसकी आदत छूटी। जब यहां पे उसने रेगुलर खुदा के घर में आना शुरू किया, रेगुलर आता रहा, वचन को सीखता रहा, समझता रहा, कि विश्वास किससे आता है? सुनने से। किससे आता है? बोलो बोलो, अपने पड़ोसी को सुनने से आता है। सुन, तेरे भी काम होंगे। जब वो सुन रहा था लड़का, तो उसका मन खुदा की बातों पर लग गया। सबसे पहले उसका नशा छूटा। बोलो क्या है? क्योंकि जहां पे जो भी वो सुनता था, तो उन बातों को लगातार सुन सुनकर उसका माइंड, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसका मन बदला। बोलो क्या है? और जो जो भी वचन आ रहे थे वो पूरा कर रहा था। पहले नशे छूटा, कुछ जो भी आदतें थी वो उससे वो बदला। जब हम अपने आप को बदलते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर हमें बदलता है। फिर उसने उसको बदल दिया, जो उसकी चाहत थी। 4 साल से जाना चाहता था पर जा नहीं पा रहा था, पर जैसे खुदा के साथ अच्छा रिश्ता बनाया, मन जोड़ा खुदा से अच्छा बनाकर, 4 साल से नहीं हो रहा था। बोलो क्या है? जब वचन दिया परमेश्वर ने ना, ये फरवरी का महीने में पूरा किया, मीटिंग कोई मिस नहीं की। बोलो क्या है? तो कभी कभी परमेश्वर देखता है। जब परमेश्वर परफेक्टिक देखता देता है तो वो देखेगा मेरे लोगों में, मेरी आशीष को पाने में इनके अंदर कितनी क्षमता है। इसी लिखा, यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। भीड़ की भीड़ जब आई उसके पास, तो वो देखकर उनको पहाड़ पर चढ़ गया, पर कोई उसके पीछे नहीं आए। परमेश्वर मनों को देखता है। मैंने कीमती चीज देनी है भाई, ऐसे कैसे दे देगा? वो कीमत से देता है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? और जब कीमत अदा की, खुदा को अपना समय पे किया, अपना टाइम पे किया, बोलो क्या है? खुदा ने रास्ता खोला, वीजा आ गया, फिर पैसों की प्रॉब्लम आ गई। एक ही दिन में इंतजाम कर दिया, एक ही दिन में लोन पास हो गया, वो भी 80,000 का। ऐसा होता नहीं है। नहीं पापा, 58,000 का लोन था और 80,000 चाहिए थे पूरे पैसे। कितना लोन था? 58,000। 58,000 का लोन था, 80,000 चाहिए था जी। वो भी लोन भी 58,000 का पास हो गया और बाकी पैसों का भी इंतजाम हो गया जी। देख लो क्या नहीं होता ये गांव, क्या नहीं होता। मैं पहले में कहता हूं ना, उससे क्या नहीं होता। ये सॉन्ग है ऐसे, मांगो तो, ये ऐसे एक सॉन्ग है ना, नहीं आता ये शायद वो बोलती। हाँ हाँ, उसको आता होगा। हाँ, इस यही गाती है। क्या नहीं होता दुआ में, क्या नहीं मिलता मांगे तो, क्या नहीं मिलता दुआ में, क्या ऑनलाइन ने वो भी मांगी। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने।
तारीफ कर दो जोर से। इस बात से मेरी आंखों में आंसू आ गए, बोलो क्या आ गई मेरी आंखों में? इनकी ब्लेसिंग को और खुदा के वचन को पूरा करने से मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? इसलिए आ गए कि जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने जब लोगों को देखा तो उसने लोगों को देखा कि ये सारा संसार व्याकुल भेड़ों के समान डामाडोल है, बोलो क्या है? और ये अपनी एयाली अपने मालिक को पहचानते नहीं, वो कितना ताकतवर है, वो क्या नहीं कर सकता, बताओ मुझे, वो क्या नहीं कर सकता। पर जब तक तुम उसकी बात को समझते नहीं हो, सीखते नहीं हो, तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए उसने कहा मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से क्या हो रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्यों क्यों कर रहे हो, छोड़ो, जब मैं बात कर रहा हूं तो प्लीज। उसने कहा मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से क्या हो रही है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वचन है, वो भी इसी पर है। हमें जब ज्ञान समझ आता है तो सुलेमान कहता कल्याण होता है। जब ज्ञान क्या आता है, समझ आता है, और जब हम समझ के उस ज्ञान को फिर पूरा करते हैं तो फिर रास्ते मार्ग खुलते हैं। आमेन, हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलते हो, तारीफ करो उसकी। ओके, परमेश्वर आपको बरकत दे।